घबराहट या धड़कन तेज हो गई तो क्या करें, इसके बारे में मैं आपसे बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहां पिछले 37 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं। काफी लोगों को एंग्जाइटी का प्रॉब्लम होता है। छोटी छोटी बात के ऊपर वो नकारात्मक सोचते हैं, नकारात्मक विचार करेंगे, घबरा जाते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, आंख में जल्दी पानी आ जाएगा, धड़कन तेज हो जाएंगी, कुछ तो भी हो जाएगा, ये धड़ 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 उनका हार्ट बीट बढ़ने लगेगा, हाथ कांपने लगेंगे, पसीना तर है, घबराहट है, बेचैनी है, और फिर उनको कोई सूझता नहीं उस समय। उनको सवाल लगता है करना क्या है फिर इसमें। बहुत ज़्यादा कभी उनको पैनिक अटैक आ जाएगा, या कभी उनको फोबिया रहेगा, डर रहेगा, या कभी छोटी बात के ऊपर चिंता, टेंशन, तनाव रहेगा। रात को सोने के समय गद्दी पर लेटते हैं लोग और उनको कोई विचार आते हैं, क्या मैं रात में हार्ट अटैक से मर जाऊंगा या कुछ हो जाएगा रात में, ऐसा विचार आ जाता है, धड़कन और शुरू हो जाती है और धड़कन उनको सुनाई भी आती है, इतनी धड़ धड़ होती है कि उनको सुनाई भी आती धड़कन, और वो फिर उससे और घबरा जाते हैं। कभी कभी उनको गले में ऐसा वो जो पल्सेशंस दिखते हैं, हाथ रखते हैं तो हाथ लगाते हैं तो उसमें पल्सेशन धक 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 दिखता है, लगता है कि अभी अपन मरने वाले हैं, या घबराहट से धड़कन हो जाती है। अभी इसमें नेचुरल तरीका मैं आपको बताता हूँ। एक तो क्या है कि इसमें हम कुछ गोलियां देते हैं, जो गोली जबान के नीचे आपने रखा है तो माउथ डिजॉल्विंग टैबलेट रहती है, माउथ डिजॉल्विंग टैबलेट ले लिया तो धड़कन कम हो जाएंगे, अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस आएगा, मगर वो टेम्पररी है। आपको क्या करना है, आपको नेचुरल दवाई लेना है, नेचुरोपैथी। नेचुरल कौन सी है, नेचुरल दवाई है कि आप यदि पहले नेचुरल दवाई बताने के पहले आप ये पहले समझ लो कि ऐसा क्यों होता है। होता क्या है कि सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम SNS सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम, ये बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है ये एंग्जाइटी वाले लोगों में। और वो एक बार एक्टिवेट हो गए बहुत ज़्यादा, धड़ 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 सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम, तो वो जो SNS सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम जो एक्टिवेट हुई है उसको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, या पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो आपको रिलैक्स करेगी, वो आपको शांत करेंगे, वो आपकी धड़कन कम करेंगे, वो आपको शांति, संतुष्टि, समाधानी देंगी, घबराहट से आपको मुक्तता देंगे। तभी वो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट करने के लिए क्या करना है, अब क्या करो कि ऐसी लंबी सांस लेने का है, ऐसी जितने हो सके उतनी पूरी लंबी सांस लो, उसको रोको, और रोकने के बाद में धीरे 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 उसको छोड़ो। अब इससे क्या होता है, जब आप लंबी सांस लेते हो, गहरी सांस लेते हो, तो फेफड़ों में जो स्ट्रेस रिसेप्टर्स होते हैं वो दब जाते हैं, स्ट्रेस रिसेप्टर्स दब गए तो वहां से पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है, जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड अपने भाषा में बोलते हैं, जिसको हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो वो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गई तो वो PNS जो है वो PNS से मिलती है शांति, PNS एक्टिवेट हो गई तो सेरोटोनिन सिक्रेशन होता है, डोपामिन सिक्रेशन हो जाता है भेजे में, ब्रेन में रिलैक्सेशन होता है, पीस ऑफ माइंड मिलता है, और एकदम वो जो धड़कन जो है जो तेज हो गई वो कम हो जाएंगे। तो आपका काम क्या है कि जब जब ऐसी घबराहट बेचनी होती है तो लंबी गहरी सांस अंदर तक लेना, जितनी लंबी ले सके उतनी लेना है, धीरे से छोड़ना है, फिर लंबी लेना है, ऐसे छोड़ रहे हैं आराम से। तो उसमें वो रिसेप्टर, स्ट्रेस रिसेप्टर से जो फेफड़ों में रहते हैं वो दब जाते हैं, उससे PNS एक्टिवेट होती है और वहां से फिर आपको अच्छा लगने लगेगा। बस ये घरेलू उपचार है, घर बैठे बैठे जहां भी आप कहीं हो, वो तो आप टैबलेट लेंगे जब बहुत ज्यादा होता है, तो इसके साथ साथ आप ये करते हो तो आपको बहुत फायदा हो जाएगा, आपको मन को शांति मिलेगी, घबराहट कम होगी, चिंता कम हो जाएंगी, आपकी बॉडी रिलैक्स होगी। तो ये आप जरूर करिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। 8 से 10% लोगों को चिंता सताती रहती है, उनको इससे फायदा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। मानसिक रोगी तथा शराबी के व्यसनी, इनको बिना रिश्तेदार अकेले हम हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट को भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं।